सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चरदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज रचनानुवाद कौमदी की लाइव कक्षा संख्या 148 को पढ़ेंगे और 57वें अभ्यास का जो गृह कार्य है उसको आज करेंगे। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपको यह अभ्यास पढ़ा दिया था विस्तार से, आपको सब कुछ बता दिया था, इसके नियम आदि। अब इसके अंदर जो गृह कार्य है वो हमको देखना है। डॉक्टर कपिल देव महाराज जी क्या गृह कार्य हमें दे रहे हैं। ठीक है, आइएगा। चलिए, अभ्यास 57 उदाहरण वाक्य एक। देशस्योन्नत्यै आयातो निर्यातश्च आवश्यकौ स्तः। कहते हैं देश की उन्नति के लिए आयात माने सामान को भेजना, निर्यात माने मंगाना। ठीक है, हाँ, आयात माने सामान को लेना, निर्यात माने भेजना, उल्टा किया मैं तो। ये दोनों चीजें आवश्यक होती हैं, लेना और देना। ठीक है, दो। उत्कोचस्य आदानम प्रदानम च द्वयमपि पापम अस्ति। माने घूस का लेना और देना दोनों ही पाप हैं, गलत हैं, घूस ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। तीन। इतस्ततो न भ्रम माने इधर उधर मत घूमो। चार। बहुधा विचार्य कार्यम कर्तव्यम, बहुत प्रकार से विचार करके कार्य को करना चाहिए। पांच। अस्मिन् सरसि जानु मात्रम जलम अस्ति, अरे इस तालाब में घुटने तक जल है। छह। का धर्मम जानाति जानातु अजानात जानियात जास्यति, जानीते जानीताम अजानीता जानीता जास्यते वा। पांच आत्मनि पद में, पांच प्रश्न पद में। ठीक है, तो वह धर्म को जानता है, जाने जाना, जानना चाहिए जानेगा वह। इसी प्रकार से ये आत्मनि पद का अर्थ कर लीजिएगा आप, जानता है जाने जाना और जानना चाहिए और जानेगा। ठीक है, तो ये है आत्मनि पद और प्रश्न पद। ठीक है, उभयपदी धातु है ये। ठीक है, सा प्रतिजानीते यत सदा सत्यम बक्षति, तो वह प्रतिज्ञा करता है यत, यत का अर्थ है कि अव्यय है कि सदा सत्य बोल, बक्षति माने वह हमेशा सत्य बोलेगा, वो प्रतिज्ञा करता है कि वह हमेशा सत्य बोलेगा। राजा आठवां, राजा चोरम अवजानाति, राजा चोर का तिरस्कार करता है। ठीक है, वो उसको डांटता फटकारता है। नौ। पिता पुत्रम अनुजानाति, पिता पुत्र की क्या करता है अनुजानाति माने पिता पुत्रम अनुजानाति, अनुजानाति माने उसका अनुज्ञा करता है, पालन करता है। ठीक है, यही अर्थ था इसका। ये आज्ञा देता है, अनुज्ञा माने आज्ञा देता है, पिता पुत्र को आज्ञा देता है। ठीक है, तो ये हो गया। दस। अहम त्वाम अभिजानामि, तो अहम त्वाम अभिजानामि माने मैं तुमको पहचानता हूं, अभिजानामि पहचानता हूं। ठीक है, ये उदाहरण वाक्य देकर के आपको समझा दिया। अब यहां पर आगे कार्य दे रहे हैं, संस्कृत बनाओ। ये आपको ये दे रहे हैं 26 वाक्य। ठीक है, 26 वाक्य दे रहे हैं, इन 26 वाक्यों को आपको बदलना है, वो ट्रांसलेट करना है, फिर मैं आपका गृह कार्य का मिलान कराऊंगा उत्तर पत्रिका में। बनाइएगा इनको।
आगे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य इनको देख लेते हैं। नंबर एक, विद्यालयस्य उभयतः ग्रामस्य परितः, ये गलत है। ठीक है, क्या होगा, विद्यालयम उभयतः ग्रामम परितः, क्योंकि इनके साथ में क्या लगती है, द्वितीया होती है। ठीक है, जानती जानतु अजानती, ये गलत है। ठीक है, क्या होगा, जानाती जानातु अजानात, ये सही होगा। सप्रति जानाती, तो ये गलत है, क्या होगा, सप्रति जानीते, आत्मनिपद होता है प्रतिपूर्वक जानातु का। चलिए आगे है आपका चार, दो खा, जो खा विभाग था ऊपर, इसमें उसमें लोट और लंग विधिलिंग और लिट में बदलना है। ठीक है, ये है आपका 20 खा, 20 से लेकर के 26, माने सात वाक्य हैं, सेवन सेंटेंस ऐसे, इनको क्या करना है, या तो लट लकार में, तो आपको क्या करना है, लोट में, लंग में, विधिलिंग में और लिट में बदल लेना है, मिलान हम कराएंगे आपका। ठीक है, खा ज्या धातु के दोनों पदों में दसों लकारों के रूप लिखो, तो रूप लिखने हैं आपको। ठीक है, तो मैंने बता ही दिए थे, लिख लेना एक बार देख करके दोनों लकारों के, और याद पांच के कर लेना। गा, इन प्रत्ययों को लगाकर पांच रूप बनाओ और वाक्य में प्रयोग करो, तो इनका आप वही बनाएंगे जो हमने अभ्यास में पढ़ा है, और फिर आप उनको एक एक से एक एक वाक्य बना लीजिएगा। जैसे मैं बता देता हूं आपको यहीं पर थोड़ा सा, जैसे ता है ये, ठीक है, तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं, सर्वताह, ठीक है, सर्वता बनेगा। ठीक है, सर्वता, अब इसको वाक्य में आप बदलेंगे तो आप ऐसे बना लीजिएगा वाक्य, वायु हो सर्वतः वाहती, और हवा सब तरफ से बहती है, कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से कभी इधर से, तो इस प्रकार से आपको ये पाया चित्रा है, बहुत सारे उसमें शब्द बनाए हुए हैं, था के वो, फिर उनका उसी प्रकार से वाक्य बनाइएगा एक एक शब्द का। इसका मिलान नहीं कराएंगे, ये आपको स्वयं मिलान करना पड़ेगा, मैंने एक तरीका बता दिया ऐसे बनाने। ठीक है, चलिएगा वाक्य बनाओ, नीचे और शब्द दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सारे शब्द हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, 20 शब्द है मित्रों, ये 20 शब्दों के साथ में आपको 20 ही वाक्य बनाने हैं, और स्वयं ही मिलान करना है, मैं मिलान नहीं करूंगा आपको, मैं कैसे कर सकता हूं जी, कोई इस शब्द को लेकर के कुछ वाक्य बनाएगा कुछ वाक्य बनाएगा, तो आपको इस स्वयं मिलान भी करना है और बनाना भी है, मैं आपके उन सेंटेंसेस का मिलान कराऊंगा। ठीक है, चलिएगा, आप अब इतने समर्थ हो चुके हैं 57 अभ्यास पढ़ करके कि आप आराम से इन वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, अब तो आप पढ़ाने की स्थिति में आ गए, आप पढ़ा भी सकते हैं इस पुस्तक को अब। ठीक है, हाँ, पढ़ाने की दृष्टि से मैंने आपको तैयार कराया है ये, चलिएगा, और कभी डाउट्स होते हैं आपको पढ़ाते समय अपने, जो भी जिनको पढ़ाते हैं, तो हम तैयार हैं फिर आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, हम तैयार हैं, उत्तर पत्र का आपके लिए तैयार कर दी, पढ़ाइएगा आप अपने छात्रों को। ठीक है, कहीं पर आपको डाउट होता है देखिएगा, वहां पर भी क्लियर नहीं होता तो हम जिंदाबाद हैं। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं 58 में अभ्यास में मित्रों। ठीक है, अब तीन अभ्यास और हमारे शेष हैं, 58 59 60, ये भी कंप्लीट हो जाएंगे थोड़े दिन में। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।